दुनिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। टीएमसी की ओर से चुनाव आयोग में 24 घंटे में पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की 2 शिकायतें भेजी जा चुकी है। सोमवार को टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को कंप्लेंट लेटर में कहा, मोदी की ओर से 16 मार्च को आचार संहिता लागू होने के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा का व्हाट्सएप मैसेज देशवासियों के पास पहुंचा, यह आचार संहिता का उल्लंघन है। डेरेक ओब्रायन ने दावा किया है कि मैसेज के साथ पीएम की ओर से लेटर भी भेजा गया था। इसमें लिखा था कि पिछले 10 साल में देश के 140 करोड़ से अधिक लोगों को भारत सरकार की योजनाओं से लाभ हुआ। डेरेक ने कहा कि इससे साफ है कि पीएम की ओर से भेजे गए मैसेज में भाजपा का प्रचार हुआ है। उन्होंने कहा, इससे पता चलता है कि मोदी भाजपा केंद्र सरकार के राजस्व के जरिए अपनी योजनाओं का प्रचार कर रही है। इससे पहले सोमवार को ही टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने भी मोदी के खिलाफ शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि मोदी ने आंध्र प्रदेश के पलनाडु में लोकसभा सीट में चुनावी रैली में भाग लेने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।